जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 जो कि यूएई में 19 सितंबर से शुरू होने वाला है, उसको लेकर फैंस की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जहां सभी की निगाहें सीएसके की टीम यानी कि धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स पर भी होगी, तो वहीं फैंस की डिमांड ये भी है कि इस साल का खिताब कोहली की कप्तानी के दौरान आरसीबी जीते। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, आईपीएल के ऑक्शन के बाद से ही सभी की निगाहें बनी हुई हैं कोलकाता नाइट राइडर की टीम पर भी, जहाँ केकेआर ने इस बार कुछ बड़े बदलाव किए हैं। पीयूष चावला, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा जैसे बड़े तीन दिग्गज प्लेयर्स को रिलीज करते हुए उन्होंने टीम में शामिल किया है कुछ ऐसे विदेशी खिलाड़ी जो शायद आने वाले समय में बड़ा करिश्मा दिखा सकते हैं, ऐसा इन सभी का मानना है। आप सभी को बता दें, इसको लेकर कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने बड़ा बयान दिया है, क्योंकि वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के अगले सीज़न यानी 2020 के सीज़न को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो इयान मॉर्गन और पैट कमिंस के साथ खेलना पसंद करते हैं। पिछली नीलामी में कोलकाता ने दो इंटरनेशनल स्टार्स को अपना बनाया, जिसमें मॉर्गन को 5.25 करोड़ में खरीदा यानी कि 5.25 करोड़ में खरीदा, तो वहीं कमिंस के लिए यानी पैट कमिंस के लिए उन्हें रिकॉर्ड तोड़ पेमेंट देनी पड़ी जो थी 15.5 करोड़ रुपये। टूर्नामेंट में कमिंस विदेशी खिलाड़ियों में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। कमिंस के बारे में बात करते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा कि फ्रेंचाइजी को विश्व स्तरीय गेंदबाज चाहिए और ऑस्ट्रेलियाई स्टार इस पर फिट बैठता है, यानी कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया है पैट कमिंस को दिनेश कार्तिक ने। उन्होंने आईपीएल के सीज़न को लेकर बताया किस प्रकार से टीम में उनका बड़ा योगदान होगा, क्योंकि उनका समर्थन ही टीम को आगे लेके जाएगा। कार्तिक ने कहा कि आईपीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो शायद विश्व स्तरीय हो और दुनिया में पैट कमिंस से बेहतर कोई नहीं। मॉर्गन के बारे में बोलते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा कि वे इंग्लैंड के कप्तान से सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और 2020 में नाइट राइडर के लिए पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। बता दें कि सभी टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं, जहां आईपीएल का सीज़न 13 खेला जाना है। यहां सभी टीमों को फिलहाल क्वारंटाइन में रखा गया है, तो वहीं सभी को बायो बबल में भी अभ्यास करना होगा। 19 सितंबर से शुरू होने वाला है ये टूर्नामेंट जो 10 नवंबर तक चलेगा, लेकिन इस बार कौन जीतेगा आईपीएल का खिताब, आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके बताएं अपनी फेवरेट टीम कि आप इस बार किसे सपोर्ट करेंगे और आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है खिताब। क्या वो केकेआर होगी या फिर होगी सीएसके या होगी आरसीबी या फिर दिल्ली कैपिटल्स या फिर सनराइजर्स हैदराबाद और बाकी टीमें? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।